ब्राउन पीरियड्स ब्लड या ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, क्या होता है, जिसे हम स्पॉटिंग भी कहते हैं, सो स्पॉटिंग ड्यूरिंग पीरियड डेट्स ये क्यों होते हैं, या स्पॉटिंग आफ्टर पीरियड डेट्स ये क्यों होते हैं, या स्पॉटिंग होल मंथ होते हैं, या स्पॉटिंग आफ्टर ओवुलेशन होते हैं, या स्पॉटिंग पीरियड डेज के स्टार्ट में भी होते हैं और एंड में भी होते हैं, या फिर आपके पीरियड साइकिल के बिल्कुल मिड में भी आपको स्पॉटिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान और आज की वीडियो में आपके साथ पीरियड स्पॉटिंग पे बात करेंगे, ब्राउन पीरियड ब्लड पे या ब्राउन ब्लड पे बात करूंगी, जिससे आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको ये स्पॉटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, सेफ है या नहीं सेफ, और इसका क्या सोल्यूशन है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाले हैं। यानी 10 रीजन है जिसमें आपको ये ब्राउन स्पॉटिंग या ब्राउन पीरियड ब्लड होता है, जिसे आप जान सकते हैं कि क्या रीजंस है जिसके जैसे आपको ये स्पॉटिंग हो रही है। स्पॉटिंग ड्यूरिंग पीरियड डेज या ड्यूरिंग पीरियड डेट, अगर आपके पीरियड्स का डेट है और आपको पहले शुरू के जो दो दिन होते हैं या तीन दिन होते हैं उनमें स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो शुरू का ब्लड होता है ये बहुत लो मिकदार में, कम मिकदार में आता है, कम मिकदार में आने की वजह से ये वहाँ पर रुक जाता है और वहीं पर काफ़ी टाइम ठहरने के बाद, क्योंकि ये फ्लो में नहीं होता, स्पीड में नहीं होता, तो वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है और ये ब्राउन डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। सो पीरियड्स के अगर पहले दो से तीन दिन, अमूमन दो दिन होता है आपको ये स्पॉटिंग हो रही है, साथ में कुछ लोगों को हल्का सा हल्की सी क्रैम्प्स भी होते हैं जिसमें पीरियड्स की थोड़ी सी इरेगुलरिटी शो करती है। फिर इसके बाद तीसरे दिन आपका ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है नॉर्मल पीरियड्स की तरह, तो ये चीज़ नॉर्मल है। इस केस में भी आपकी स्पॉटिंग होती है, पहले दो दिन होती है फिर तीसरे दिन आपका ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, तो ये आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सेकेंड नंबर पर, स्पॉटिंग आफ्टर पीरियड डेज या पीरियड डेट्स। अगर आपकी पीरियड डेट है और आपको पीरियड्स नहीं हुए, जैसे इम्प्लांटेशन भी कहते हैं, अगर आपकी पीरियड डेट है पीरियड्स नहीं हुए, पीरियड डेज से कुछ दिन बाद, तकरीबन तीन चार दिन बाद या हफ्ता बाद या दो हफ्ते बाद आपको पीरियड्स आ गए जिसमें सिर्फ आपको स्पॉटिंग हो रही, तो ये केस हो सकता है, अगर आपको ये स्पॉटिंग तीन से चार दिन हो रही है तो ये केस हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, यानी आपकी प्रेगनेंसी बन गई है और ये प्रेगनेंसी अपनी जगह मजबूत करने के लिए ये आपको स्पॉटिंग हो गई है, तो ये केस जो होता है प्रेगनेंसी का इनिशियल स्टेज होता है। और ये अगर तीन या चार दिन आपको स्पॉटिंग हो रही है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। स्पॉटिंग आफ्टर पीरियड्स एंड बिफोर पीरियड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पीरियड से तकरीबन दो दिन पहले आपको स्पॉटिंग होती है और आपका पीरियड पर फ्लो तीसरे दिन शुरू हो जाता है, जब एंड में आपका सेवन टू एट डे या सिक्स से सेवन डे शुरू होता है, उसमें भी आपको स्पॉटिंग होती है, पीरियड फ्लो रुक जाता है और स्पॉटिंग होती है, तो इस चीज़ में भी आपको घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल केस है। स्टार्ट की स्पॉटिंग भी, स्टार्ट के दो दिन स्पॉटिंग भी और एंड के तकरीबन दो से तीन दिन स्पॉटिंग, ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। अब नेक्स्ट जो बात आती है, स्पॉटिंग द होल मंथ, कुछ लोगों को स्पॉटिंग होल मंथ होती है। अब स्पॉटिंग होल मंथ में दो केसेस होते हैं, कुछ लोगों की ये जो होल मंथ स्पॉटिंग होती है इसका ताल्लुक ही इससे है कि आपका जो हार्मोन, आपके जो हार्मोन्स हैं वो एम्बैलेंस फॉर्म में हैं। एम्बैलेंस क्यों होते हैं, इनके दो ही रीजंस हो सकते हैं, जो दो बिग रीजन हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप, या फिर दूसरा जो बिग रीज़न है, और भी रीज़न होते हैं लेकिन ये दो रीजंस बिल्कुल बिग हैं जिससे हार्मोन्स एम्बैलेंस होते हैं। दूसरा जो बिग रीज़न है वो है आजकल जो हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, स्पेशली इंजेक्शन से ये मसला होता है कि आपको होल मंथ या 15 to 20 days स्पॉटिंग रहती है, जिसमें ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होती, और ये केस बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है पीरियड्स यानी स्पॉटिंग आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मैंने बताया था कि कब होता है और कैसे होता है, वो चेक कर सकते हैं ओव्यूलेशन बाय पक्थोलेशन, लेकिन ये जो मैंने इम्प्लांटेशन का केस बताया ये वही केस होता है, या तो आपके ओव्यूलेशन के बाद जो ओव्यूलेशन डे होता है उसके बाद आपका जो उनके बाद जो 10th या 14 days होते हैं ओव्यूलेशन के बाद, तो वो जो टाइम है उसमें आपको स्पॉटिंग होती है, जो बेबी की प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी बच्चा इम्प्लांटेशन केस होता है सारा, जो मैंने अभी आपको बताया, एक फर्टिलाइज हो जाती है और अपनी जगह पकड़ने के लिए ये स्पॉटिंग आ जाती है, और ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने इम्प्लांटेशन का बताया, एक ही चीज़ है। इसमें जो पीरियड्स के डेट्स होते हैं, या तो उन दिनों में आपको तीन चार दिन स्पॉटिंग होती है, इसकी ड्यूरेशन सिर्फ तीन चार दिन स्पॉटिंग होती है अगर नॉर्मल केस है तो, या फिर पीरियड्स के बाद यानी इम्प्लांट ओव्यूलेशन के डे से आप काउंट करेंगे 10 से 14 days तक
उन दिनों में आपकी स्पॉटिंग रहती है। तो ये इस केस में ये नॉर्मल केस है प्रेगनेंसी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी डीप हो रही है, बन रही है, सक्सेसफुली ग्रो कर रही है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको स्पॉटिंग फिजिकल रिलेशन के बाद, यानी हस्बैंड वाइफ के मिलने के बाद उनको स्पॉटिंग होती है। तो उनमें अमूमन ये केस होता है कि बच्चेदानी के मुँह पर जहम होता है, जिसे सर्वाइकल इरूजन कहते हैं। ये जो जहम होता है मिलने के बाद इस पर थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, इस ब्लड की वजह से ऐसा लगता है जैसे इंसान को पीरियड स्पॉटिंग हुई है, कि ऐसा नहीं होता, ये उस जहम का ब्लड आ जाता है स्पॉटिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक और ओवुलेशन केस है, ओवुलेशन तब होती है जिस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने ऑलरेडी जिक्र भी किया है, जो पीरियड्स के मिड में जो टाइम होता है, लेकिन उसकी मुनासिब यानी प्रॉपर काउंटिंग के लिए मैंने वीडियो शेयर की, उधर चेक कर सकते हैं। जो मिड के पीरियड्स के साइकिल से लेकर मिड में जो टाइम होता है वो अमूमन ओवुलेशन टाइम होता है, और उस टाइम में जब एग रिलीज होता है उस टाइम में अमूमन इंसान को जो फर्टिलिटी पीक डेज होता है, जिस पर इंसान की अच्छी फर्टिलिटी होती है यानी प्रेगनेंसी के बिल्कुल चांसेस बड़े हो जाते हैं, उन डेज में आपके पीरियड्स के थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती है, दो एक दो दिन के लिए स्पॉटिंग हो जाती है। और स्पॉटिंग का ये मतलब होता है कि आपके ओवुलेशन डेज है, कुछ लोगों को होती है, सबको नहीं होती, हल्की सी क्रैम्प भी होती है और थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, जिसका ये मतलब होता है कि आपका ओवुलेशन डे है यानी एग रिलीजिंग डे है, फर्टिलिटी के लिए आप बिल्कुल पीक पे हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। एक और केस भी होता है जब आपको स्पॉटिंग होती है, ये उस सूरत में होती है जब आपको किसी किस्म का भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन में भी जो वजाइनल वॉल्स में भी हो सकता है, अंदर यूट्रस में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है, इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको स्पॉटिंग होती है, जो आपको लगता है आपकी पीरियड स्पॉटिंग है, पीरियड्स में या हार्मोन में इंबैलेंस है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये उस इन्फेक्शन की वजह, ये वजह ही वही इन्फेक्शन है। सो उस इन्फेक्शन का इलाज करें, यहाँ पे आपके हार्मोन्स का पीरियड का मसला है नहीं। और एक रीज़न मिस्ड एबॉर्शन भी हो सकता है, मिस्ड एबॉर्शन में ये होता है कि आपकी तकरीबन 3 से 4 हफ्तों की या 1 महीने की प्रेगनेंसी थी, और अभी प्रेगनेंसी जो है वो बच्चे की धड़कन खत्म हो गई है, प्रेगनेंसी ग्रोथ स्टॉप हो गई है, ना तो आपका मिसकैरेज हुआ है, ना तो आपने एबॉर्शन किया है, बस अब आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, चेक करने के बाद आपको पता चला कि बच्चे की ग्रोथ स्टॉप हो गई है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एबॉर्शन करें, बच्चा ग्रो नहीं करेगा, यही पे सूखेगा। तो इस केस में भी आपको स्पॉटिंग होती है। एक और केस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चा बच्चेदानी में नहीं होता बल्कि बच्चा ट्यूब में या ओवरी में होता है, जिसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है या फिर इस तरह की स्पॉटिंग होती है, जिसे एक्स्ट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी जो होती है ये एक क्रिटिकल टाइप की प्रेगनेंसी होती है, और उसमें अमूमन स्पॉटिंग इंसान को होती है। अब लास्ट नंबर पे जो रीज़न है वो है सर्वाइकल कैंसर, अल्लाह ना करे कि किसी को ये हो, लेकिन ये सबसे बिग केस है जो बहुत कम लोग को होता है, कि जिससे यूटराइन या सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, उस केस में भी अमूमन औरतों को महिलाओं को स्पॉटिंग होती है, जिसकी वजह से वो इसे इरेगुलरिटी समझते हैं, प्रेगनेंसी समझते हैं, या पीरियड्स में खराबी समझते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस समझते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये अगर वो बाकायदा चेकअप करते हैं, नीचे से डॉक्टर चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि उनको इस किस्म का सिवियर कैंसर है। फ्रेंड्स, ये थी ब्राउन डिस्चार्ज पे या स्पॉटिंग पे डिटेल वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।